अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई? अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यू जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट। और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बहुत ही अच्छी खुशखबरी दिया है आप लोगों के लिए। इंडिया से सऊदी जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट अभी आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो इंडिया से सऊदी जाने के लिए कौन सी जगह से अभी आपको टिकट मिलेगा या कौन सी जगह से टिकट आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आप लोगों से कुछ ज़रूरी भी बातें करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर ही देखिएगा ताकि आपको पूरी बात सही है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए हमारे तरफ से हमारे प्यारे भाई। चले सबसे पहले मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, उर्दू न्यूज़ का फोटो है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है पिछले 18 महीने से सऊदी अरब में स्कूल कॉलेज जो कि बंद है कोरोना आ जाने के वजह से, लेकिन फाइनल डिसीजन लिया गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल इतवार के दिन से सऊदी अरब में जितने सारे स्कूल कॉलेज बंद है सारे स्कूल कॉलेज को जो कि कल से ही सऊदी अरब के अंदर खोले जाएंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चे लोग स्कूल में जो कि पढ़ने के लिए जाएंगे, बहुत ही अच्छी खास तौर पर के अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ऑनलाइन के जरिए से जो कि घर बैठे बैठे पढ़ाई करते थे, लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस अच्छी खबर है जो कि स्कूल में जो लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं, खैर बहुत ही अच्छी बात है। खैर कल से इंशाल्लाह आप लोग याद रखिएगा स्कूल कल से सऊदी अरब में खुल रहा है। चलिए इसी का साथ और एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके बताया है आज ही। एक तरफ से समझिए तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, उन लोगों के लिए जो कि खासतौर पर के सऊदी अरब से इंडिया आए हैं दोनों कोरोना का वैक्सीन लगा करके। तो इन्होंने खासतौर पर के एक अच्छी खबर इसमें ये जोड़ा गया है, और एक समझिए तो एक थोड़ी सी बुरी खबर हमें ये लगा, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे शहर हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, पटना हो गया और बहुत सारे शहर हैं, तो इन्होंने खास तौर करके केरल से जो कि फ्लाइट चालू करने की अलाउंस किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। तो जो कि सोच सकते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत में, और एयर इंडिया एक्सप्रेस जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सारे एयरपोर्ट से जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की जो कि खोलने की उसको अलाउंस कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी थोड़ा सा नहीं लिखा है, खासतौर करके केरल के नाम इसमें बताया गया है, जो कि इसको आप खुद भी देख लिए होंगे। आपको जो कि रियाद के लिए फ्लाइट मिलेगा, दम्माम के लिए फ्लाइट मिलेगा जो कि इंडिया से खासतौर करके, और मान लो दिल्ली से अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो दिल्ली से लिए इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, अगर मुंबई से जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं बताया गया, जो लोग लखनऊ से जाना चाहेंगे उसके लिए भी नहीं, कोई भी पटना से जाना चाहेंगे कुछ भी नहीं, और इसमें किसी का भी नाम इसमें बताया नहीं गया है, खासतौर करके केरल वाले लोग जो कि सऊदी अरब जा सकते हैं। इसका मतलब यही साफ साफ बताया जाता है जो कि खासतौर पर सऊदी अरब में, समझिए तो केरल का ही लोग सऊदी अरब में ज़्यादा रहते हैं, पूरी जो कि भारत में जो कि समझिए तो मेन जगह ऐसा चुना गया है जैसे कि खासतौर करके केरल में ही ज़्यादा लोग हैं, इसके वजह से केरल से ही जो कि सऊदी जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खासतौर करके फ़्लाइट चालू करने के अलाउंस कर दिया, और टिकट भी उन्होंने बुकिंग करने के अलाउंस कर दिया है। खैर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आने वाला कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए अच्छी खबर आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और जो सो लोग अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए से, आप खुद भी जा करके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन टिकट आपको कहां से कैसे मिलेगा, सब चीज़ आपको मिल जाएगा नेट पे, अभी आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी हमारे भाई। चलिए इसके साथ आपके साथ और भी एक पर्सनल बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब में डायरेक्ट फ्लाइट तो खुल गया है, लेकिन अभी किसी देश आप आया होकर के जो कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बड़ा ही आसानी से, बहरीन से भी आप सऊदी अरब जो कि जा सकते हैं, बहरीन का से भी कल से फ्लाइट यानी खुलने वाला है, कल से आप जो कि इंडिया से बहरीन, बहरीन में 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद उसके बाद जो कि सऊदी अरब में आप जा सकते हैं बड़े ही आसानी से, बस उसमें थोड़ी बहुत आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैं तो आपको यही बताऊँगा अगर आपके पास टाइम है थोड़ी सी इंतज़ार करने की तो आप इंतज़ार बेशक कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला कुछ ही दिनों में आपको पता होना चाहिए सब चीज़ सऊदी अरब में नॉर्मल होता हुआ जा रहा है, आने वाला कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए खासतौर पर अच्छी खबर देखने और सुनने के लिए मिलेगा। मैं तो आपको यही राय दूंगा कुछ दिन आप लोग के पास अगर टाइम है तो कुछ दिन और थोड़ी सी और बिताइए, उसके बाद खैर इंशाल्लाह आप लोग बेफिक्र होकर के फिर सऊदी अरब आ सकते हैं, ऐसा खैर नहीं है कि सऊदी अरब नहीं आएंगे, जिनके पास टाइम है समझ सकते हैं आप, जिनके पास टाइम है वही लोग जो कि खासतौर पर रुकेंगे इंडिया में, अगर जिनके पास टाइम नहीं है, इंडिया में दोनों वैक्सीन आप लगा लिए हैं तो आप ओमान के रास्ते से भी जो कि सऊदी अरब आ सकते हैं, 1 सितंबर से फ्लाइट चालू हो जाएगा, और कल से खासतौर पर बहरीन के लिए भी खासतौर पर फ्लाइट चालू हो जाएगा जो कि इंडिया से बहरीन, बहरीन से सऊदी अरब, लेकिन इसमें आपको क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा मेरे भाई, बिना क्वारंटाइन होए हुए जो कि आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते, तो इसमें आपको पैसे थोड़ा बहुत खासतौर पर ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। अगर आपके पास अगर टाइम है तो कुछ दिन और भी थोड़ा सा आप गुजार लीजिए,
उसके बाद आप जो कि सऊदी अरब में आएंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारे तरफ से भी दुआ कीजिए और जितने सारे लोग भी उनके लिए भी दुआ कीजिए। चलिए इसी के साथ सऊदी अरब का मैं कोरोना का अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि 28 अगस्त तक का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब में कोरोना ख़त्म होने ही वाला है। 234 न्यू केस जो कि सामने आया है और 409 रिकवरी हुए और 6 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेज रियाद में 67 केसेज आप देख सकते हैं, मक्का में 36 केसेज, अब्जीजान में 22 केसेज, अलकसीम में 22 केसेज, ईस्टर्न में 21 केसेज और मदीना में 14 केसेज, असर में 13 केसेज, नजरान में जो कि 10 केसेज, नॉर्दर्न बदर में 7 केसेज, अलजौफ में 6 केसेज, हायल में 6 केसेज, ताबुक में 6 केसेज और अलबहा में जो कि सिर्फ 4 केसेज। एक्टिव केस आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 3500 जो कि 37 एक्टिव केस अब सऊदी में बचे हैं। आईसीयू में जो रखा गया है 1000 से केस नीचे आ गए हैं, 978 केस जो कि सऊदी अरब में जो कि आईसीयू में अब तक रखा गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से सब चीज़ ऐसा हो रहा है मेरे भाई। तो खैर उम्मीद होगा आपको सारा बात डिटेल से मैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप हमारा सब्सक्राइब करके जाइएगा जल्दी जल्दी यार, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देख करके ऐसे ही चले जाते हैं।